नमस्कार जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की आज कोर्ट में होगी पेशी। ईडी दफ्तर में गुजरी रात। शराब घोटाले में कल हुई थी गिरफ्तारी। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद चार राज्यों में ईडी आईटी का छापा। ममता बनर्जी के मंत्री समेत निशाने पर तीन पार्टियों के नेता। सरकारी नौकरी में महिलाओं को अब मिलेगा 35% आरक्षण। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। आज मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आईआईटी जोधपुर परिसर समेत कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। चुनौतियों के बीच भारतीय नौसेना ने हासिल की बड़ी कामयाबी। युद्धक जहाजों को ड्रोन हमले से बचाने वाला हथियार किया विकसित। सिक्किम में भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 14। 102 से अधिक लोग अभी लापता। सुरंगों में फंसे 14 मजदूर। सिक्किम में झील फटने के बाद आई बाढ़ ने कैसे मचाई तबाही। इसरो ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से समझाई त्रासदी। ज्ञान वापी में सर्वे के लिए एएसआई ने 4 सप्ताह का और मांगा समय। मामले में वाराणसी की जिला अदालत आज सुनाएगी आदेश। न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के बाद किया दावा। कहा प्रवीर ने रची कश्मीर अरुणाचल को विवादित बताने की साजिश। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार से गहरा सकता है सांसों का संकट। ग्रैब के बावजूद एनसीआर में गुरुग्राम सबसे प्रदूषित शहर दर्ज। लोकसभा चुनाव में वरुण मेरिका दोनों को टिकट नहीं देगी भाजपा। पार्टी ने सुल्तानपुर और पीलीभीत में नए चेहरों की शुरू की तलाश। अगले सप्ताह बुलाई जा सकती है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। महिला आरक्षण समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद। सद्दाम की कॉल और बैंक डिटेल से कई लोगों की बढ़ेगी मुश्किलें। अशरफ के साले से बरेली प्रयागराज के कारोबारियों के हैं करीबी संबंध। आर्थिक तंगी के कारण अब नहीं छूटेगी 8वीं के बाद पढ़ाई। चयनित मेधावी छात्रों को मिलेंगे 12,000 रुपए सालाना। बिहार के जमुई स्थित झाझा थाना क्षेत्र से 14 साल का बच्चा अगवा। 15 लाख की मांगी फिरौती। कारोबारी के घर में खबर से कोहराम। पाकिस्तान की मीडिया पर नियंत्रण करना चाहता है चालबाज चीन। अमेरिका द्वारा जारी रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से पहले ही दिन 65 विमान भरेंगे उड़ान। ज्यूरिख जाएगी पहली फ्लाइट। 2024 से पहले शुरू होने की संभावना। आपदाओं से हर साल तबाह होता है 25 लाख करोड़ का बुनियादी ढांचा। जलवायु परिवर्तन पर CDRI की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। भारत से सटी चीन नेपाल सीमा पर बिजली से रोशन होंगे सेना के पोस्ट। बिजली नेटवर्क के लिए UPCL ने केंद्र को दिया 375 करोड़ का प्रस्ताव। उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों की नब्ज टटोलेंगे गृहमंत्री अमित शाह। 7 अक्टूबर को भाजपा कार्यालय में नेताओं के साथ लेंगे 3 बैठकें। कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे जेपी नड्डा। कार्यक्रम के बहाने पुराने साथियों को एक्टिव करेंगे भाजपा अध्यक्ष। बिहार के मुजफ्फरपुर में छापे के दौरान युवक की मौत से भड़के लोग। गुस्साए भीड़ ने थाने में लगाई आग। कई वाहन जलकर खाक। मध्य प्रदेश के धार जिले में आज प्रियंका गांधी करेंगी जनसभा। आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए उनके कार्यक्रमों में होंगी शामिल। पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जाति सर्वे में फर्जीवाड़े का लगाया आरोप। बोले मेरे घर के दरवाजे से वापस लौटी टीम पूरे क्षेत्र का नहीं किया सर्वे। बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने भी जाति सर्वे पर उठाया सवाल। बोले बिहार सरकार बताए सिर्फ यादवों की क्यों बड़ी संख्या। केदारनाथ धाम में भीड़ के कारण गर्भगृह के दर्शन किए गए बंद। नाराज पुरोहित समाज ने कहा परंपरा के खिलाफ हो रहा है काम। छत्तीसगढ़ के रायपुर में DSP स्तर के 21 अधिकारियों का तबादला। गृह विभाग ने जारी की सूचना। नई सूची में पुलिस विभाग में अड़कम। राजस्थान के धौलपुर में शराब माफिया का पुलिस टीम पर हमला। 2 कांस्टेबल घायल। हाथ पैर सिर पर आई चोट। 2 आरोपी गिरफ्तार। सोनीपत में बीज कंपनी ने किसानों को बेचा मिक्स्ड बीज। आधी पकी आधी कच्ची रह गई फसल। किसानों की मेहनत गई बेकार। पंजाब सरकार ने धान की पूसा 44 किस्म पर लगाई पाबंदी। ज्यादा पानी की खपत और अधिक पराली पैदा करने के कारण लिया फैसला। भारत कनाडा वीजा पर पाबंदी से प्रदेश के कारोबार पर पड़ेगा असर। नवंबर से जनवरी तक शादी समारोह में पंजाब आते हैं NRI। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कारगिल में पहली बार हुआ मतदान। लद्दाख पहाड़ी स्वायत्त विकास परिषद के चुनाव में 73% हुई वोटिंग। जम्मू के अनंतनाग में आतंकियों ने 10वीं के छात्र को मारी गोली। सुरक्षा बलों ने घेरा पूरा इलाका। हमलावरों की तलाश जारी। सुरक्षा बलों ने कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। राजौरी के तत्तापानी में ऑपरेशन के 3रे दिन उतारे गए कोबरा कमांडो। 3 फर्जी वेबसाइट से चल रहा था क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी का खेल। हिमाचल पुलिस का खुलासा महंगी कारें दिखाकर लोगों को फंसाते थे ठग। हिमाचल के कर्मचारियों का हर तबादला आदेश करना होगा। सार्वजनिक सचिव प्रशासनिक सुधार ने सभी विभागों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। रूसी जोड़ों को भाया हिंदू धर्म। हरिद्वार में हिंदू रीति रिवाज से किया विवाह। उत्तराखंडी गीतों पर खूब थिरका जोड़ा। संतों से लिया आशीर्वाद। यूपी में कंपनियों की सेहत सुधारने से बड़ा CSR फंड का पैसा। 9 साल में 12वें स्थान से सीधे 5वें स्थान पर लगाई छलांग।
दिल्ली में महिलाओं को देखकर स्टाफ पर बसें नहीं रोकते डीटीसी चालक। ग्रीन पीस इंडिया के सर्वे में 82% महिलाओं ने बताई सच्चाई। नोएडा में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की 12 मोटरसाइकिल बरामद। झांसी में बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ निकाली भैंस की अंतिम यात्रा, क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है अनोखा रीति रिवाज। अमरोहा में भाजपा नेता सोरन सिंह चौधरी ने लोगों से किया संवाद, घर घर जाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। नवाबगंज के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर ताहिर पर लगा अपहरण का आरोप, शिकायत करने पर पीड़ित की पत्नी को दी गालियां, ऑडियो हुआ वायरल। टीचर के साथ दुष्कर्म करने वाला स्कूल का संचालक गिरफ्तार, गेट नोएडा के बीटा 2 कोतवाली पुलिस ने शिकायत के बाद की कार्रवाई। वनडे क्रिकेट विश्व कप के महाकुंभ का आज से हो रहा है आगाज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में होगा पहला मुकाबला। उद्घाटन मैच में केन विलियमसन के बगैर उतरेगा न्यूजीलैंड, जबकि इंग्लैंड के ऑलराउंडर स्टोक्स के खेलने पर संशय। 55 करोड़ से ज्यादा दर्शक देखेंगे वनडे विश्व कप के मुकाबले, 22,000 करोड़ का होगा कारोबार, जीडीपी पर दिखेगा असर। एशियाई खेलों के तीरंदाजी में दिखा भारत की बेटियों का दम, आदिति, ज्योति और परनीत की तिकड़ी ने झटका गोल। एशियाई खेलों में 100 पदकों के करीब पहुंच सकता है भारत, आज आर्चरी, कुश्ती और स्क्वैश में पदक की उम्मीद। क्रिकेटर शिखर धवन का पत्नी आयशा मुखर्जी से हुआ तलाक, कोर्ट ने माना पत्नी ने मानसिक क्रूरता का बनाया शिकार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात, नमस्कार।